हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेस। और एजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बैंक एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे या कोई भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज़ 6:7। सो ये जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली बेस्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो उनका प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6:7। सो अगर कोई भी वैल्यू अगर रेशियो के टर्म में दिया हो, कोई भी डेटा जो है अगर रेशियो के टर्म में दिया हो और वहाँ पे आपको वैल्यू लिखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो प्रेजेंट एज ऑफ पी और क्यू का है, तो अगर हमको पी का वैल्यू यहाँ से बताना है तो हम लोग 6x लिख देंगे और क्यू का वैल्यू जो है हम लोग 7x लिख देंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है, जो कि हर टॉपिक के लिए अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी एजेस कर रहे हैं तो रेशियो को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं, ये आपको हर टॉपिक में आपको p=6x या q=7x तो ये वैल्यू के टर्म में आ जाएगा। इसका रीज़न भी है, एक्चुअली में क्या है, 6:7 जो है आप इसको ऐसे 12:14 भी लिख सकते हैं, राइट। इसको आप 24:28 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो आपको 6 और ये आपको 7 देगा। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 4 से तो आपको 6:7 देगा। सो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये जो है डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पे। अगर एक्स का वैल्यू 2 आया तो आपको ये क्या हो जाएगा, 12 और 14 का रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यू को लिख देते हैं। आप यहाँ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो जनरली हम लोग एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई करके एक्स से लिखते हैं और ये आपको हर टॉपिक के लिए अप्लीकेबल है, राइट। सो हम लोग यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो गया, 6x, और क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 7x हो गया, राइट। सो कहीं भी आप ऐसे कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ क्यू इज़ 4 years old देन पी, मतलब क्यू जो है वो पी से क्या है, 4 साल बड़ा है। सो क्यू इज़ कस्ट टू p+4, मतलब कहने का मतलब है कि अगर पी में आप 4 जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, तब जाके वो क्यू के बराबर होगा। सो क्यू इज़ 4 years older देन पी, राइट, ओके। तो क्यू क्या है, क्यू का वैल्यू 7x है और पी का वैल्यू क्या है, 6x है प्लस 4। अब यहाँ एक्स क्या आ गया, एक्स इज़ टू आ गया 4, 6x जो क्या है लेफ्ट साइड में आएगा, तो 7x-6x=x हो जाएगा और एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया 4। सो प्रेजेंट एज ऑफ पी कितना हो जाएगा, 6x था, जो कि 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और क्यू का प्रेजेंट एज कितना था, 7x था, तो 7 × 4 क्या हो जाएगा, आपको 28 हो जाएगा। देखिए, अगर आप रेशियो को आप अगर वैल्यू के टर्म में लिखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। हमें आपको पूरा समझा रहे हैं, सो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। नाउ यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज पी का कितना है, 24, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, सो 24 + 4 28 हो जाएगा। क्यू का प्रेजेंट एज कितना है, 28, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 28 + 4, सो ये क्या हो गया, 28 एंड डिवाइड बाई 32, आपको 4 से 7 मरतबे जाएगा और आपको 4 से 8 मरतबे जाएगा। मतलब इनका जो रेशियो है 4 साल के बाद एजेज का, वो क्या हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, वो बता रहा है पी वाज हाफ ऑफ क्यू इन एज 10 ईयर्स बिफोर। 10 साल पहले जो पी जो था वो क्यू का हाफ एज का था। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4। सो अभी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है पी एंड क्यू का, वो क्या है, 3:4 है। सो ये सेम प्रीवियस वन जैसा क्वेश्चन है। अगर रेशियो दिया हुआ है और हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो पी का प्रेजेंट एज 3x हो जाएगा और क्यू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर 10 साल पहले, 10 ईयर्स बिफोर और 10 ईयर्स एगो, पी का वैल्यू कितना होगा, अभी 3x है तो 10 साल पहले 3x-10 होगा, क्यू क्या होगा, 4x-10 होगा 10 साल पहले। अगर सेम चीज़ 20 साल पहले बोलता है तो 3x-20, 4x-20, ये हम लोग परसेंटेज का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है और 10 साल पहले का भी वैल्यू मिल चुका है। अब बोल रहा है कि पी वाज हाफ ऑफ क्यू इन एज 10 ईयर्स बिफोर। सो 10 साल पहले जो पी का जो वैल्यू है, पी का जो एज था, वो क्या था, हाफ था किसका, क्यू का। सो क्यू का कितना था, 4x-10 था, राइट। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सो 6x-20, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6x-20 = 4x-10।
फोर एक्स को लेफ्ट साइड में ले आइए तो सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, और 20 को उधर ले जाइए तो 10 माइनस 10 प्लस 20, राइट। टू एक्स इज टू कितना हो गया, 10 हो गया। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 5 आ गया। मीन्स पी का जो एज है वो कितना हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, और क्यू का जो एज है 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। सो दोनों के एज का जो सम है, मतलब दोनों के एज का जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा, 35 साल। मतलब दोनों का प्रेजेंट एज को अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 35 साल, और ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इस सेम क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक लगा कर सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपको 10 सेकंड भी नहीं लेगा। सो यहाँ पे ट्रिक क्या है, पूछ रहा है कि उनके टोटल प्रेजेंट एज बताना है। सो टोटल प्रेजेंट एज कैसे होगा, सो ये देखिए 3x और 4x है, राइट। सो प्रेजेंट एज पी का 3x है और क्यू का जो क्या है, 4x है। मतलब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7x होगा, राइट। अब देखिए 7x मींस x का कोई ऐसा मल्टीपल, या तो आप x का वैल्यू या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, इसी टाइप का कोई वैल्यू आएगा, राइट। अब देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा 7 से डिविजिबल है, क्योंकि आपका x का वैल्यू जो कोई भी होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 7 का। सो 35 क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 गुना 5 7 से डिविजिबल होगा। 34 7 से डिवाइड होगा, नहीं। 45 7 से डिवाइड होगा, नहीं। 25 7 से डिवाइड होगा, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।